गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हस्बैंड सुबह सुबह सारा राशन का सामान लेके आ गए हैं। जो जो मेरा कुछ कुछ सामान घटा हुआ था घर का, वो सारे सामान को लेके वो आ गए हैं। तो वही हम सामान को चेक कर रहे हैं, और इसको धो के भी रखना है ना, धो के धूप में सुखाना, तो इसीलिए हम सारा देख के धूप में सुखाने के लिए दे दिए। इधर हम चले आए झाड़ू करने के लिए, बेटी को उधर वो पकड़ के रखे हैं, तो इधर हम झाड़ू कर ले रहे हैं फटाफट से, नहीं तो फिर इधर हम झाड़ू करेंगे उधर सामान फैलाएगी। झाड़ू करने के साथ ही साथ पोछा भी लगा ले रहे हैं कि सुबह का क्लीनिंग का काम मेरा ख़त्म हो जाए, ताकि लगे कि हाँ इधर झाड़ू पोछा हो गया है मेरा, फिर तो खाना ही बनाना है, बस यही तो बचा हुआ है। तो वही जल्दी जल्दी से पोछा कर ले रहे हैं। पोछा करने के बाद इधर जैसा कि आप देख रहे हैं कि चावल चढ़ा चुके हैं, दाल मेरा इधर हो रहा है, दोनों को एक साथ साथ सुबह में ही हम चढ़ा लेते हैं ताकि हमको आराम मिलता है। चावल दाल हो जाने के बाद लगता है कि हाँ बस रोटी ही बनाना और सब्जी भुजिया यही सब तो बनाना है, तो इसीलिए पहले चावल दाल चढ़ा लिए। चावल दाल इधर मेरा हो रहा है, दाल लगभग हो गया है मेरा, 3 सीटी दे दिया, कम आँच करके छोड़ दिए थे। अब इधर फटाक से रोटी सेक ले रहे हैं। तो अपनी बेटी को तो हम सुबह में सूखा ही रोटी देते हैं, सूखा रोटी दूध के साथ मिक्स करके अच्छे से देते हैं, तो उसके लिए एक रोटी दूध के साथ फूलने के लिए दे दिए। इधर हम फटाफट से हम लोग दोनों के लिए रोटी बना ले रहे हैं, और दाल बनाए थे तो सोचे थे आज सुबह में रोटी दाल ही खाएंगे, तो वही फटाक से रोटी बना ले रहे हैं, दोनों को नाश्ता कर लेंगे। बाकी मेरा उधर का सारा काम हो चुका है, फिर रोटी बनाने के बाद मेरा उसको खिलाने का काम, बाकी जो काम मेरा बचा हुआ है वो बच जाएगा। तो वही फटाफट से रोटी इधर देख कर ले रहे हैं। अब इधर हम आ गए अपनी बेटी को खिलाने के लिए। उधर मेरा रोटी बन चुका था, जैसा कि हम बोले थे कि अपनी बेटी के लिए एक सूखा रोटी बना के दूध में फूलने के लिए दे देते, तो वही फूल गया था अच्छे से, हाथ से मिक्स करके उसको खिलाने के लिए आ गए। तो यहाँ उसको हम रोटी दूध खिला रहे हैं, उसका बहुत नखड़ा है, वो एक बार खाना खाएगी फिर पानी पिएगी फिर भागेगी। तो अभी कैमरा देख रही है, कैमरा में इधर क्या हो रहा है उसको लग रहा है अजीब सा, तो वही देख के जा रही है, बोल रही है नहीं हमको उसी में उसी को देखना है, हम इधर खाएंगे नहीं, बार बार उठ के उधर ही जा रही है कैमरे की तरफ। और हम उसको धीरे धीरे पकड़ पकड़ के खिला रहे हैं, इसी तरह खिलाना पड़ता, नहीं तो खाना ही नहीं खाने खोजती है, नहीं तो इधर से भागेगी उधर से भागेगी। आजकल तो बड़ी हो रही है ना, तो आजकल हमको बहुत दौड़ाती है, कभी इधर भाग जाएगी फिर एक और खाएगी फिर बालकनी में भागेगी फिर इधर खाएगी फिर उस रूम में भागेगी, मतलब इसका भाग दौड़ लगा रहता है। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, फिर सोचते हैं गुस्सा करके क्या फ़ायदा, अपना ही बच्चा कहाँ जाएगी मस्ती करने, बस मेरा इधर काम हो गया है। गुड मॉर्निंग, मैं आपकी मम्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। भगवान से दुआ भी करते हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, और भी जो लोग मतलब अभी वो परिस्थिति से गुजर रहे हैं कोरोना की परिस्थिति, तो वो लोग भी जल्दी से अच्छे हो जाए, अच्छे होके घर आ जाए, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जैसा चलता था वैसा फिर से सब कुछ चलना स्टार्ट हो जाए। बहुत ख़राब लगता है अभी का दिन सोच सोच के कि कितना बुरा दिन अभी जा रहा है ना। बस सुबह को उठे तो सुबह उठने के बाद चाय वाय पी के उसके बाद से सूट करना स्टार्ट किए, तो सारा क्लीनिंग का काम हो गया था, नाश्ता बना लिए थे, गुन्नू को खिलाने के बाद हम लोग भी नाश्ता कर लिए। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड बोले कि जाके नहा लो, फ्रेश हो जाओ, फिर स्टार्ट करना अपना सूट। तो वही नहा के फ्रेश होके आ गए, और बेटी गई अपने पापा के साथ नहाने के लिए। उसको पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, पानी में छप छप करके दोनों को खेलते हैं, उसको खेलना सिखाते हैं, ऐसे बच्चा लोग तो खुद ही खेलना सीख जाता है पानी को देख के ही, वो लोग को पता नहीं क्या होता है, पानी से खुद ही खेलता है। तो वही उसके पापा और वो दोनों मस्ती कर रहे हैं पानी से खेल के, उसके बाद नहा के फ्रेश होके आएगी पापा के साथ। हम तो पानी में खेलने नहीं देते, इसलिए मेरे साथ नहाना नहीं चाहती है, तो वही नहा के आ जाए। और अभी मेरा दोपहर का सब्जी बनाना बचा हुआ है, तो वही आलू का सब्जी बनाएंगे आज, आलू काट के रखा हुआ है, बस सब्जी बनाना है। नहा के आए तो अभी मूड नहीं करा, तो सोचा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं सब्जी बनाने के लिए। अभी का टाइम कितना अजीब लगता है ना, बाहर देखे तो पूरा सन्नाटा, रोड अजीब सा एकदम शांत शांत, कोई सा हल्ला गुल्ला नहीं, और पहले हल्ला गुल्ला होता था तो लगता था कब शांत होगा, कब सब चुपचाप से बच्चा लोग घर जाएगा, खेलना बंद करेगा। अभी देख के बहुत ख़राब लगता है कि रोड एकदम शांत, और कितना गरीब बच्चा लोग जो खाना नहीं मिल रहा है वो लोग का, और जो एकदम लेबर ये सब का काम करता था वो लोग का कितना ख़राब हालत हो गया है ना, इकोनॉमिक कितना ख़राब कंडीशन हो गया है। अभी आज से फिर से तीसरा
लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया है, तीन मई है ना, डेट हमको याद नहीं है, लेकिन हाँ 3 मई से, तो फिर 4 मई से, कल से शायद ना, कल से चौथा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, तीसरा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा ना। हम चौथा इसलिए बोल रहे क्योंकि एक दिन का लॉकडाउन था ना, उसके बाद दूसरा था 14 अप्रैल तक, फिर तीसरा आया 3 मई तक, अभी फिर से लॉकडाउन हो गया है 17 मई तक, तो इसी वजह से बोले बहुत ख़राब लग रहा है। कब जो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर से हम लोग बाहर जा पाएंगे, घूम पाएंगे, आज़ादी वाला दिन कब आएगा, बहुत अजीब लगता है। खैर जब भगवान से दुआ करेंगे जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बच्चा लोग फिर से बाहर जाके खेले कूदे, हम लोग बाहर जाके घूम फिर पाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए जल्दी से। बस अब जाते हैं जल्दी सब्जी बना लेते हैं, लेट हो रहा है, बेटी भी नहा के आएगी तो उसको कपड़ा वपड़ा पहनाना होगा, तो जाते हैं सब्जी बना लेते हैं जब तक। किचन आ गए हैं, करने गैस के ऊपर चढ़ा हुआ है। मेन क्या है, पहले सब्जी बनाने का सोचा था कि सब्जी बना के फिर नहाने जाएंगे, फिर क्या हुआ हस्बैंड बोले कि नहीं पहले नहा के आओ, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद सब्जी बना। तो मुझे वही सोचे हाँ सही बोल रहे, इसीलिए नहाने चले गए, नहा के आए तो अभी सब्जी बनाएंगे। तो आज बनाने वाले जैसे कि आलू का सब्जी, तो आलू कट करके पहले से ही रख दिए, उनको पानी में छोड़ना चाहिए था, गलती हो गया, ऐसे ही काट के रख दिए, तो देखिए ना कलर कैसा हो गया है, अलग सा कलर चेंज हो जाता है। अगर इसको पानी में डुबा के छोड़ देते कुछ देर तो बहुत अच्छा कलर रहता है, एकदम फ्रेश फ्रेश लगता है, तो वही पानी में छोड़ना भूल गए थे, तो अभी आलू का कलर थोड़ा अजीब सा हो गया है। इधर टमाटो कट करके रखा हुआ है, इधर मेरा मसाला पीस के भी रखा हुआ है, लहसुन मिर्चा जीरा सब कुछ पीस के रख दिए हैं, गोल की जीरा गोल की लहसुन मिर्चा ये सारी चीज, और इधर मेरा प्याज भी पीस के रखा हुआ है। तो सारा कुछ तैयारी रेडी है मेरा, बस बनाना है। तो इसमें आलू में जल्दी से हल्दी नमक लगा लेते हैं ताकि तेल में सुल लाल करके फ्राई करे, ताकि खाने में थोड़ा टेस्ट लग सके। खाना कैसा भी हो, साधारण खाना को भी अगर आप अच्छे से बनाए तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टिंग बनाना है तो जल्दी से हल्दी नमक। बस मिक्स करना होंगे, अब इसको जल्दी से तेल में डाल के फ्राई करते हैं। Oh, 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 oh
अभी इधर मेरा आलू देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से पूरा लाल लाल होकर फ्राई हो गया है, पूरा डीप फ्राई कर चुके हैं। अब इसमें धीरे से सारा मसाला को डाल देंगे और भून लेंगे अच्छे तरीके से। इधर मेरा सब्जी बनके रेडी है, हम पानी डाल दिए थे, पूरा अच्छा तरीके से भुजा गया था, पानी डाल के सब्जी बन गया मेरा। আমি যখন কাজ করছিলাম তুই কাজ করছিলিস, এবার তুই কাজ করছিস, আমি তো বসে পড়েছি কথা বলছি। হাই বল, হাই বল, যদি কাজ না করে তো কি করে হবে নাকি গুন্ন? देख रहे हैं जब हम सामान ढर रहे थे तब इसका काम शुरू, हमको भी दो, हमको भी दो, कैंची लेके भाग जाएगी बार बार। उसके बाद हम उधर काम करने के लिए गए तो फिर इसका काम कि अभी बैठा है, अभी काम से मेरा छुटकारा हुआ है, सारा काम सुबह का कंप्लीट हो गया। सुबह क्या, सुबह दोपहर सब काम कंप्लीट हो गया। सुबह में सामान लेके आए थे, ये 9 बजे तो गए, सारा सामान लेके आए। एक तो दुकान में आजकल इतना देर हो जाता है सामान लाने में, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना है, सबको एक सामान चाहिए, भीड़ रहता है, ऊपर से सामान खत्म हुआ रहता है, तो वही लेके आने में इनको लेट हो गया था। वही लेके आए तो सारा सामान को धो रहा के रख दिए थे, धूप में सूख गया, उसके बाद भरने में लेट हो गया, तो वही अभी भरे हम सारा। सोचे खाना वाना बना लेते उसके बाद भरेंगे सारा काम करने के बाद, तो अभी टेंशन फ्री हो गए, सब कुछ कर लिए, अब फिर जाके सारा भर उ के अभी जाके बैठे हैं। उसमें भी सामान भर रहे, तो बेटी को भी चाहिए कि हमको भी सामान भरना है, हमको भी दो, हमको भी दो, मतलब जो काम कीजिए आप उसको भी चाहिए, हर चीज़ में वो हाथ बटाना चाहती। कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है कि अरे वाह मेरा कुछ कुछ बात सुन रही है। और पता है क्या है कि उसको कुछ भी बोलिए कि ये चीज़ कर दो बेटा, अपना पैंट लेके आओ, उसको पता है, तो अब थोड़ा थोड़ा मेरा काम में हेल्प करती, तो बहुत अच्छा लगता है काम में हेल्प करती। लेकिन फिर आई अभी देखिए क्या किचन बाबा को था, तो बाबा है फुर्सत ना? हमारे की फुर्सत चले अच्छे क्या है? देख रहे हैं हम लोग से सबसे ज्यादा तो काम है। अब तीनों को ही थोड़ा खेलेंगे इसके साथ, बेटे के साथ थोड़ा खेलना मस्ती करना यही चलेगा हम लोग का। उसके बाद खाना खा के क्या करना है, फिर सो जाना है ससुराल के। इसकी आँख में तो नींद नहीं है बेटू, नींद आ रहा है घूमू घूमू आज से, हमको नींद बहुत आ रहा है। इनको तो हमेशा नींद आता है, इसको नहीं आ रहा है, सोचते नाश्ता कर लिए थोड़ा देर सो जाए, तो बच्चा है ना रेस्ट कर लेगी तो आराम होगा, फिर दोपहर को उठेगी शाम के टाइम में, फिर भात खिला देंगे। अभी हम इसको भात नहीं खिला रहे, आजकल बच्चों लोग का तो जानते ही है, जैसे जैसे बड़ा होता है रूटीन चेंज होना स्टार्ट होता है, तो अभी जस्ट बड़ी हो रही है, 14 मंथ की हुई है, तो अब इसका खाने का सोने का रूटीन एकदम सा चेंज हो गया। पहले के जैसा इसको नींद नहीं आता है, रात को लेट से सोती है,
फिर खाना में डिमांडिंग हो गई है कि हमको ये चाहिए, अगर भात अच्छा नहीं लगा केवल भात डाल दीजिए तो अच्छा नहीं लगा तो खाएगी नहीं, बस कुछ कुछ चाहिए अलग अलग। और अभी अभी रोटी खाई है दो बार, तो अभी सोएगी थोड़ा देर, सोने के बाद ही इसको भात देगी, उठेगी तब। अभी भात दीजिएगा तो मुंह से फेंक देगी, मुंह में ले तो लेती है लेकिन उल्टी कर देगी, इसी वजह से अभी जबरदस्ती इसको तो खिला नहीं सकते हैं। माँ बाकी मजा की मजा अब अक्कल बक्कल खेलती, अक्कल बक्कल बम्बे हो, अक्कल बक्कल बम्बे हो, अस्सी नब्बे पूरे शो शो में निकला था। इसी तरह लॉकडाउन को पार कर और 17 तारीख तक तो बढ़ गया, अब देखते हैं और फिर क्या होता है, बढ़ता है कि खत्म होता है, भगवान जाने कब वो फिर से वो दिन आएगा जब हम लोग बाहर जा पाएंगे, घूम पाएंगे, बाहर खड़े होके गुपचुप खा पाएंगे। क्या मजा, बहुत मन कर रहा है ना, कुछ कुछ खरीद पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे, आएगा वो दिन, आएगा अच्छे दिन आएंगे। पता नहीं कभी कभी तो डर लगता है कि इसी तरह करते करते कहीं हम लोग ऊपर ना चल जाएं, खत्म ना हो, लंबा लॉकडाउन नहीं हो। जिस तरीके से ये तेजी से फैल रहा है उस तरीके से तो डर ही लगता है मन में, बोलिए आज ना कल, कभी लगता है अरे बाहर गए हैं ये चीज़ में टच तो नहीं कर गए हैं, नहीं पहले आके पूरे अच्छे से फ्रेश होना है, कपड़े को बदलना है, नहीं बच्चा ये चीज़ ना छोड़, डर डर के छीना अभी ये अलग सा ही, मतलब कभी इस दिन के बारे में कोई सोचा भी नहीं होगा, वैसा टाइम आ गया है, बोलिए उस दिन के लिए ये कभी कभी इमेजिन भी नहीं कोई किया होगा कि ऐसा भी दिन आदमी को झेलना पड़ेगा। बहुत बुरा लगता है कभी कभी सोच के, अरे कहाँ से ऐसा कितना खराब सा दिन आ गया, कितना अच्छा इस साल हम लोग सोच रहे थे ना प्लानिंग के लिए, कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए, इधर उधर। ये देखो कौन है, बेटी भी बड़ी हो गई, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई, समझदार हो गई है, बाहर घूमने से उतना रोती नहीं है, ये सोच के सोचे थे कि जाएंगे लेकिन सारा प्लान कैंसिल हो गया। बस अब लगता है भगवान सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ नॉर्मल कर दो, पहले के जैसा सब कुछ ठीक हो जाए, पहले के जैसे टीवी में सीरियल देख, क्योंकि देखिए इंडियन सीरियल, सीरियल हो मूवी हो तो लगता है ना कि पहले, मतलब सीरियल ये सब इंडियन पीपल इंडियन वुमेन का बता रहे हैं कि वो लोग के लिए तो सबसे एंटरटेनिंग का चीज सीरियल ही है, बहुत घटिया चीज है, आपके लिए घटिया होगा, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, पता है टाइम नहीं पास हो रहा, तो एक सीरियल देख के भी आप टाइम पास कर सकते हैं, अच्छा काम करके टाइम पास नहीं कर सकते हैं, न्यूज भी अच्छा अच्छा देख सकते हैं, लेकिन आजकल का तो न्यूज ये सब केवल क्या बोले कोरोना वायरस, बस वही चल रहा है, वही टॉपिक एकदम हाईलाइटेड टॉपिक है, बस सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बस अभी का दिन केवल हम लोग गाना सुन के पार करते हैं, अच्छा अच्छा गाना सुन के, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि यही सब एक एंटरटेन कर सकता है आप लोग को, और कुछ भी तो नहीं, बस अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, अच्छा अच्छा खाना बना बना के बस लाइफ को एंजॉय कीजिए, घर में रहिए, अच्छे से रहिए, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।